हेलो दोस्तों, सुशांत सिंह की मौत को लगभग एक साल हो गया है और मैं आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि यार हम इंसान कितने गिर चुके हैं, हम एक इंसान की मौत का भी फायदा उठा सकते हैं। पिछले साल जब जून के महीने में सुशांत सिंह के सुसाइड की न्यूज आई थी तब हर किसी को धक्का लगा था, एक अजीब हार जैसी महसूस हो रही थी, खास करके एक मिडिल क्लास के लिए। अचानक से छोटे शहरों में रहने वाले अंडरडॉग्स ने सुशांत की जर्नी के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी थी। हर कोई उस टॉक्सिसिटी और पावर स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता था जिसके बारे में उनका मानना था कि वो सुशांत की डेथ के पीछे उनका हाथ है। जल्द ही एक शक्तिशाली आर्मी ने आकार लेना शुरू कर दिया था। इस सेना ने सुशांत की मौत के पीछे रैली की, एक अलेज सुसाइड के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की और वहीं से शुरू हुई जस्टिस फॉर SSR की ट्रेंड। ये ट्रेंड आज भी सोशल मीडिया में, खास करके ट्विटर पर ऑलमोस्ट रोज ट्रेंड होता है, पर इसके पीछे ऐसे कितने भेड़िए छुपे हुए हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। सोचो, मौत का फायदा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये लगेगा कि यार इंसानियत कितनी ज्यादा गिर चुकी है। सबसे पहले शुरू करेंगे सोशल मीडिया पेजेस पे। आप ये डेटा देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर डेटा देखकर आपको लगेगा कि कितने सारे लोग, कितने सारे पोस्ट, कितने सारे फेसबुक ग्रुप्स, कितने सारे फेसबुक पेजेस और कितना सारा इंटरेक्शन आया इन सब सुशांत सिंह राजपूत के पोस्ट से रिलेटेड। पर अब ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे लोगों ने जो साथ मिलकर इसको ट्रेंड किया, क्या उसमें सभी जेन्युइन थे या सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे थे? इसमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने फायदा उठाया, जिन्होंने पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अपना पेज बनाया, उसके नाम पर पॉपुलैरिटी गेन की और बाद में उसका ग्रुप का नाम चेंज कर दिया। ऐसे कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पर क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ इतने ही थे? नहीं, नहीं, नहीं। ये तो बस वो थे जो कि पकड़े गए। बहुत से ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने सेम चीज की। मुंबई पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन में भी कहा कि 1.5 लाख फेक अकाउंट यूज और क्रिएट किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। मीडिया, अब हम बात करेंगे मीडिया हाउसेस की। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। सवाल भारत की जनता करेगी और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस रिपोर्ट में डिटेल्ड एनालिसिस की गई है कुछ न्यूज चैनल्स के बारे में। इस स्टडी में अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की 32 वीक डेज का न्यूज कंटेंट, 55 आवर्स की प्रोग्रामिंग और 76 डिबेट्स के साथ टाइम्स नाउ के 24 दिन का न्यूज कंटेंट, 24 घंटों की प्रोग्रामिंग और नविका कुमार द्वारा 32 प्राइम टाइम डिबेट्स को एनालाइज किया गया है। इस स्टडी से पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी द्वारा 31 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का टोटल डिबेट्स का 65% और 16 जून से लेकर 6 अक्टूबर तक का नविका कुमार द्वारा टोटल डिबेट्स का 69% एक ही टॉपिक था, डेथ ऑफ बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। तो क्या ये सच में ये टीवी न्यूज वाले सुशांत सिंह की जस्टिस के लिए डिबेट्स कंडक्ट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये बस TRP के भूखे थे। CBI इंक्वायरीज तो लगी पर आज वो सब छोड़कर अंत में बस नारकोटिक्स वाले गांजे के लिए सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं। कौन सा इशू कहां जा पहुंचा? और अगर ये सब टीआरपी के लिए नहीं था तो उस समय बाकी के नेशनल इश्यूज जैसे कि इकोनॉमी, GDP का गिरना, चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन और कोविड पेंडेमिक के बारे में क्यों नहीं बात करते थे? उन्हें ऑडियंस मिल गई, बहुत ज्यादा टीआरपी मिली और एडवर्टाइजिंग से बहुत सारा पैसा कमाया। तो यही है। अब मैं बात करूंगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस की। ये सब अक्टूबर तक जोर शोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे थे नवंबर में, इसलिए अब माहौल को गर्म रखने के लिए पॉलिटिशियंस भी कूद गए थे इसी मुद्दे पर। एक तरह से इसलिए भी इसे ज्यादा हवा दे रहे थे पॉलिटिशियन क्योंकि सुशांत भी बिहार से थे। BJP ने सुशांत के फेस मास्क, कार स्टिकर्स, पैम्पलेट्स और पोस्टर बांटना शुरू कर दिए थे और इन पर ना भूले हैं ना भूलने देंगे के स्लोगन्स लगाए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च टीम ने 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स को एनालाइज किया इसी केस के कनेक्शन में, जिसमें 7,818 पॉलिटिशियंस और वर्कर ने मेंशन किए या हैशटैग यूज किए, जिसमें से सिर्फ BJP वर्कर्स और पॉलिटिशियंस के 61,196 ट्वीट्स थे और कांग्रेस के वर्कर्स और पॉलिटिशियंस के 32,406 ट्वीट थे। यही BJP और कांग्रेस के पॉलिटिशियन और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस को आपने देखा है कोविड के टाइम पे
कि लाइन लगा रखी हो या ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हो या ऑक्सीजन के लिए स्लोगन्स लगा रहे हो या हैशटैग लगा रहे हो या हेल्प करने के लिए ग्राउंड ग्राउंड पे पहुंचे हो। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग पहुंचे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकने का काम किया था उन्होंने इस टाइम पे, क्योंकि बिहार इलेक्शन आ रहा था। और लोगों की सेल्फिशनेस यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने ट्वीट किया कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं उनके इस सिचुएशन का अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और उनकी फैमिली ने किसी को ऑथराइज नहीं किया है डोनेशन या फंड रेज करने के लिए। यानी कि ऑलमोस्ट एक साल बाद भी लोग किसी की मौत का फायदा उठा रहे हैं। एक इंसान के रूप में क्या हम इतने गिर चुके हैं? और मेंटल हेल्थ की जरूरी कन्वर्सेशन ने तो बैक सीट ही ले ली और आज आउट ऑफ द पिक्चर ही बन गई है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया वाले और पॉलिटिशियन जैसे स्वार्थी लोग हमें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें अपने मतलब के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। क्या हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है? और थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, और एक बार ये जरूर सोचिए कि यार वो बंदा अगर ऊपर से देखता होगा सुशांत सिंह राजपूत तो मतलब क्या सोचता होगा। मतलब आई डोंट नो कि वो उन्होंने सुसाइड किया था या उसका मर्डर था। आज तक भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला हमने, उसके आसपास की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। फॉर गॉड सेक, गांजे के लिए हमने लोगों को पकड़ा दिया, वो बड़ा नेशनल इश्यू बना दिया, उस पर बहुत चर्चाएं की, लेकिन आज भी सुशांत सिंह राजपूत देख के होगा सोचता होगा कि यार शिट मैन, अच्छा रहा साला मैं इधर से निकल गया। मतलब चल यार, थैंक्स मैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं।